प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देती। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दोगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ, घमंड है ना? ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए या कोई कितना भी बड़ा राजा मारे, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं है, और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज स्वतंत्रता दिवस है, जहां एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा है कि आज हमने उनका लाल किला से भाषण सुना, आज के दिन भी वो राजनीति कर रहे हैं, आज के दिन भी वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि उनके वादे कहाँ गए, जहाँ उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। साथ ही साथ जब उनसे ये सवाल किया गया कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, तो उन्होंने कहा कि ये घमंड है और ये घमंड अच्छा नहीं है। सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नहीं रही है और समय हमेशा बदलता है। क्या कुछ तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उनको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। लेकिन आज के दिन उन लोगों को भी याद करते हैं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और खासतौर पर भारत की सेना, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, कई ऐसे हमारे मिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं, जिन्होंने इन लोगों के लिए 77 साल से लगातार कुर्बानियाँ देते रहे हैं। देश के नाम जो है उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, बलिदान दिया, और उन्होंने जो शहादत दी आज के दिन उनको भी याद करते हैं। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देती। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दोगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ, और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे। तो एक तरफ जो है, एक दिन पहले वो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गलेज लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार की? तो वही है, तो सब लोग देश की जनता देख रहे हैं, लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 2024 में भी हम ही आएंगे, जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, उद्घाटन भी, तो कहीं ना कहीं देखिए घमंड है, ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए या कोई कितना भी बड़ा राजा मारे, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं है, और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला दरभंगा एम्स को लेकर, खुल गया है। ऐसी बातें नकारात्मक राजनीति जो है आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने की, और जिस प्रकार से मैं ही मैं है और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। बहुत लोगों का अहंकार जो है छू हुआ है, और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा।